वालेकुम मेरे भाई, तो आप सब कैसे हैं? तो देखिए, आज हमने अपने घर का मोटर खोल रखा है, तो इधर वाले से दिखाओ, इधर आके इधर बनाओ। तो यहाँ थोड़ी सी रोशनी कम है, तो आपको हम दिखाते हैं। ये हमारा घर का मोटर है, पानी वाला मोटर है, ठीक है? तो आप ध्यान से देखिएगा हमारे पानी वाले मोटर को। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए इसका, इसमें ये मोटर चल नहीं रहा था और यहाँ से बहुत ज़्यादा इसमें करंट आ रहा था और यहाँ से तार भी शॉर्ट कर रहे थे इसके, ठीक है? तार वार शॉर्ट कर रहे थे, तो हमने इसको खोल लिया। इसके तार देखिए यहाँ से आपस में सब ज्वाइंट हो गए थे, ये सब तार आपस में ज्वाइंट हो गए थे। खैर, अल्लाह का शुक्र है, अपने ई रिक्शे का मोटर तो बनाते ही हैं और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत इसमें भी अपना काम आता है, तो जितना खैर आता है उसके हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके तार वगैरह सब जल गए थे, तो इसके तार देखिए हमने लगा दिए हैं। और तार लगाने का तरीका इसको चला के भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो देखिए क्या करना है हमको, इसमें करना ये है, इसका पीछे का हमने पल्ला खोल लिया था और इसके तार हमने जल गए थे, तो तार हमने लगा दिए हैं। इसका तरीका मैं आपको आज इंशाल्लाह बताने वाला हूँ। देखिए ये हमारी स्लिप है, ठीक है? ये हमारी स्लिप है, 10 रुपये की आपको स्लिप मिल जाएगी। ये स्लिपों को हम चढ़ा देंगे इसके ऊपर अच्छे से। देखिए स्लिप हमने चढ़ा दी तार के ऊपर, ताकि तार में हमारे कोई दिक्कत ना है और ये गर्म ना करे, हीट ना करे। और तार की वजह से ये हमारा तार बहुत ही अच्छा हो जाएगा और ये हीट भी नहीं करेगा। जो जलने की प्रॉब्लम आई थी, आपस में टच होके जो जल गया था, इसी वजह से हमने स्लिप डाल दी है इसमें, ताकि हमारा तार ये जले ना। और मैं आपको और बता दूं, देखिए इसमें चार तार होते हैं, 1, 2, 3, 4। दो तो ये लाल हो गए, दो ये लाल, अब दो ये तार है, ठीक है? दो तार जो होते हैं वो कंडेंसर के तार होते हैं। ये हमारा 100 UF का कंडेंसर है ये, तो ये हमारा स्टार्टिंग के लिए लगाया जाता है, ठीक है? तो इसके तार भी जल गए थे, हमने इसके तार बिल्कुल ओके कर दिए हैं। और अब जो है इंशाल्लाह इसके तार भी, इसको स्लिप चढ़ा देंगे फटाक से इस पर भी। तो ये हमारी स्लिप है, इसको भी चढ़ा देंगे। ये हमने स्लिप को चढ़ा दिया इसके ऊपर। देखिए आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को, अब पूरा वॉच करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि कोई वीडियो मैं डालता हूँ आपको कोई भी काम से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो देखिए हमने इसके ऊपर स्लिप चढ़ा दी, टेप नहीं लगाया था, टेप क्योंकि उखड़ जाता है, और ऊपर से इसके ऊपर हम टेप लगा देंगे पूरा, ताकि स्लिप हमारी आगे पीछे भागे ना, ठीक है? तो ये हमने इसके ऊपर टेप लगा दिया है अच्छे से, यहाँ पर भी लगा देंगे, ठीक है? और उसके बाद जो है ये हमने अच्छे से चढ़ा दिया इस पर स्लिप, यहाँ पर भी टेप लगाएंगे। दो तार हमने जोड़ दिए, ये वाले लाल वाले, ये हमारे फेस के तार हैं जो हमारे बिजली में जाएंगे, न्यूट्रल फेस में। और ये हमारे कंडेंसर के तार हैं, ये कंडेंसर के तार हैं, देखिए इसमें भी हम जोड़ देंगे फटाक से अभी, और फिर अब इंशाल्लाह आपको आगे दिखाएंगे। ये दोनों तार हैं, इसके भी जोड़ देंगे फटाक से, ये वाले तार, ठीक है? तो ये तारों को भी देखिए अच्छे से ज्वाइन करेंगे। और मेरी राय जहाँ तक कि ये, मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर भी स्लिप डाल दूँ, तो ये हमारी स्लिप है, इसके ऊपर भी हम स्लिप ही डाल देंगे। ये हमारी स्लिप है, ये हमने डाल दी इसके अंदर। अब इसके तारों को हम जोड़ देंगे, ठीक है? इसके तारों को जोड़ेंगे अच्छे से। तो मेरे भाई देखिए, हमने इसके दो तार, ये जो कंडेंसर के थे, ये भी जोड़ दिए हैं। और इसके जो दो फेस के तार थे, देखिए लाल वाले दोनों तार हैं, ये भी हमने निकाल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए खांचा बना होता है तारों का बाहर निकलने का, तो यहाँ पे सब पे टेप मार लेंगे अच्छे से, ठीक है? अच्छे से टेप मारने के बाद इसको बांधेंगे और इसको चला के देखेंगे। और आज इंशाल्लाह एक चीज़ और भी आपको सिखाएंगे इसमें, ठीक है? तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा वॉच करिएगा अच्छे से। तो अभी देखिए इस पर टेप हमने अच्छे से मार दिया, ताकि यहाँ से कोई प्रॉब्लम अब आए ना, ठीक है? तो हमने अच्छे से लगा दिया, और पानी भी अंदर ना जाए इसीलिए ज़्यादा टेप लगा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जो एक लबड़ की टाइप की जो हमारा वो लगा होता है, देखिए ये काला काला ये जो लगी होती है स्लिप, इस पर यहाँ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर टेप हम ज़्यादा मार रहे हैं, ताकि पानी अंदर घुसे ना इसके, ठीक है? तो ये हमने देखिए टेप इस पर अच्छे से लगा दिया है टिल्लू वाले पंप पे, टाइट टाइट बैठा देंगे, ताकि यहाँ से पानी ना घुसे। और ये हमारा ढक्कन है, देखिए पीछे से आधा किलो का ढक्कन है इसका पीछे का, तो ये ढक्कन को भी इस तरह से बैठाएंगे,
ये ढक्कन को हमने लगा दिया, ठीक है, ढक्कन भी। ढक्कन ये हमारा लग चुका है और इसमें देखिए ये हमने ये कटोरी के अंदर इसके जो देखे अबायल तो है नहीं अपनी दुकान वाला, ठीक है, तो हमने ये कड़वा तेल लेके रिफाइंड वाला और इसमें देखिए नटों में लगा दिया था और इस पर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे अच्छे से ताकि बाद में भी खुलने में दिक्कत हो। बाद में तो खैर ग्रीस लगा ही देंगे इसमें दुकान से ला के, अभी तो खैर घर पर ही काम कर रहे हैं और घर का मोटर सही कर रहे हैं अपना। तो अभी हम इसके जो है देखिए नट लगा रहे हैं, इसमें 8 नंबर नट लगे होते हैं और उसके बाद ये देखिए 3 नट लगे थे, तीनों मैंने लगा दिए हैं। एक बोल्ट था हमारा उधर से खुल गया था, ये बोल्ट भी लगा देंगे, ठीक है। अब ये 8 नंबर सॉकेट की मदद से टाइट कर देंगे इसको, ठीक है, बढ़िया करके चारों तरफ से टाइट कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे घर का मोटर जहाँ तक के कंप्लीट हो चुका है और अभी बस चला के दिखाना बाकी है। तो मेरे भाई देखिए इसका पंखा देखिए कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है, इसका लुक आप देखिए पंखे का, हेलीकॉप्टर वाले पंख पर रहेंगे, ठीक है। तो इस ढक्कन को भी ऐसे लगा देंगे और लगाने के बाद इसमें 8 नंबर नट लगे हुए हैं, हम नट से इसको टाइट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है, इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। ये हमारा टाइट हो गया है, निकलेगा नहीं इंशाल्लाह क्योंकि बहुत टाइट कर दिया इसको अच्छे से। हो चुका है, लैटरिंग के अंदर लगा हुआ है, बढ़िया चल रहा है, आवाज आप देख सकते हैं, बढ़िया काम कर रहा है हमारा मोटर।